दोस्तों फ्यूचर ग्रुप रिलायंस डील में बहुत कॉम्प्लिकेशंस के बाद जिसमें फ्यूचर ग्रुप जो अपने एसेट्स को सेल कर रहा है लेकिन अमेजोन उस डील को ब्लॉक करना चाहता है या जितना हो सके उतना डिले करके कॉम्प्लिकेशंस खड़ी करना चाहता है। तो अभी जो यूटर्न हमें देखने को मिल सकता है वो अब सिर्फ हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद ही देखने को मिलेगा। अभी फ्यूचर ग्रुप ने दो लेटर्स अपडेट की है, एक SIAC दैट इज सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को लिखी है और एक जो NSE ने वार्निंग दी थी उसके रिगार्डिंग लेटर है। तो फर्स्ट लेटर में फ्यूचर ग्रुप दोनों एक्सचेंजेस को बता रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर दी है रिगार्डिंग NSE's क्वेरी जो उनके गुड ऑफिस से आई थी, और सेकंड लेटर में उन्होंने SIAC आर्बिट्रेशन मैटर के रिगार्डिंग अपडेट दिया है। तो फ्यूचर ग्रुप दोनों एक्सचेंजेस और SIAC को भी अपडेट्स दे रहा है टाइम टू टाइम।